Assalamu alaikum, class 6, this is lecture 8. Now we are continuing to exercise 2B. आप लोग ने exercise 2B पहले भी हम लोग ने finish कर लिया था, लेकिन ये हमारे exercise के अंदर की question नहीं है. इसको हम proper और ज़्यादा समझने के लिए इसमें हम ये काम कर रहे हैं. हालांकि ये exercise के अंदर ये आपको नहीं मिलेंगे question. ये just ये हमने copy work थोड़ा सा extra है, तो ये आप इसी में से करेंगे, आपको book में नहीं होगा क्योंकि ये पीछे exercise में है. ठीक है, राइट डाउन द नंबर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. या नंबर्स नेम पहले भी 5 क्लास में कर चुके हैं, तो इसलिए बस हम एक रिकैप की तरह से इसको जल्दी कर लेंगे. अब आपको क्या करना है, इसको जिस तरह से हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं वही करेंगे. यूनिट 10, 100, 1000, 10,000. ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे फिर. 45,000 इन्वर्ट्स करना है. ठीक है, अब आप इसको बस आप लोग एक बार इसको देखें. यूनिट 10, 100, 1000, ये पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम है, इंटरनेशनल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके बुक में भी पाकिस्तानी ही है 6B के एक्सरसाइज 2B के अंदर. ठीक है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9 लाख. 82,000, 62. ठीक है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख. ठीक है, तो ये हो गया 28 लाख. इससे आपका जो है प्लेस वैल्यू एक बार रिपीट हो जाएगा. ठीक है, 28 लाख, 43,000 and 2. ठीक है, अच्छा अब आप देखें ये वैल्यू ज़रा ज़्यादा बढ़ी है. तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़ एंड अरब. सही है, तो ये हमारे हो गए 5 अरब, 20 कॉमा डालते जाएं, 20 करोड़, 34 लाख, 5. ठीक है, इसी तरह आप इसको करेंगे, ये आप खुद से करें. यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 5 करोड़. तो ये आपका हो जाएगा 5 करोड़, 60 लाख, 43,005. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी है, मैं ये तीन क्वेश्चन जो है ये बुक में नहीं है. ठीक है, तो आप लोग यहीं से इसको फॉलो करेंगे. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. यानी अब आपको इन्वर्ट्स नहीं करना, एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर के फॉर्म में ही करना है. तो आप कैसे करेंगे, तो आप ये यूनिट 10, 100, 1000, तो ये 1000 के अंदर कितने जीरो आते हैं, 3 आते हैं, 100 में 2 आते हैं, 40 प्लस 3. इसका एक और आसान तरीका भी ये है, ये मैं आपको बता देती हूँ. जैसे अगर आप यूनिट 10, 100, 1000 और ये 10,000, तो 60,000 के अंदर आपको पता 60 और उसके अलावा जो है 3 जीरो आ जाएंगे 1000 के. लेकिन आप वैसे एक और तरीके से देख सकते हैं कि 6 लिखा, उसके आगे जितने डिजिट हैं आप उतने जीरो लगा दें, तो भी सही हो जाएगा. ये 60,000 हो गया, तब भी सही हो जाएगा. अगर आपको वैसे मुश्किल लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, आप नंबर्स गिनें कि उससे पहले जो है कितने हैं, और आप जो है उसके उतने ही जीरो लगा. ठीक है, ये आसान तरीका ये, वैसे ये गिन के भी आप कर सकते हैं. वरना तरीका तो यही है कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, तो आप उसके जीरो आप लगाते जाइए. ठीक है, बाकी आप खुद करेंगे इसको, मैं आपको यहाँ तक करके दे देती हूँ 10, 6. अब आप ये 2 जो है आप खुद करेंगे. सही है,
अच्छा हाउ मेनी लैक मेक 1 मिलियन, यानी कितने हमारे जो है लाख होने चाहिए 1 मिलियन के अंदर। तो आप बताएं 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है, तो 1 मिलियन होता है 10 लैक्स के बराबर। लैक्स आपको पता है मिलियन जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर होता है और लैक जो है पाकिस्तानी में। तो अगर पाकिस्तानी 10 लाख रुपए होंगे तो इंटरनेशनली हमारे पास 1 मिलियन होता है, सही है। तो हाउ मेनी मिलियन में 1 बिलियन, तो अच्छा कितने मिलियन होंगे कि वो हमारे पास 1 बिलियन बन जाए, तो 1000 मिलियंस जो होंगे वो हमारे पास 1 बिलियन बनते। ये दोनों ही इंटरनेशनल सिस्टम के हैं, मिलियन और बिलियंस, ठीक है। अच्छा हाउ मैनी मिलियंस मेक 1 करोड़, यानी अब मिलियन इंटरनेशनल का है और करोड़ पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू है, तो कितने जो है मिलियन मिलके 1 करोड़ बनाते। तो आपको पता है कि 10 मिलियन जो है वो 1 करोड़ बनाएंगे। आंसर लिख दिया यहाँ पे हमने। अच्छा हाउ मैनी 1000 मेक 1 लाख, 1 लाख के अंदर कितने 1000 होते हैं, ये तो आप सबको भी पता है कि 100,000, सही है। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2 भी अपनी जो है वो फिनिश करेंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा इंटीजर्स है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इंटीजर्स, अच्छा सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटीजर्स होते क्या है। तो इंटीजर्स, ये डेफिनेशन है इंटीजर्स की, इंटीजर्स आर एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है नंबर्स का दोनों तरफ है, चाहे पॉजिटिव नंबर्स हों या नेगेटिव नंबर हों, दोनों नंबर जो हैं वो इंटीजर्स ही कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे हम एक्सरसाइज 5 अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर है हमारा 64, ये पेज नंबर 64 है और एक्सरसाइज जो है हम 5 ए स्टार्ट करें और इसके हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों क्वेश्चंस हम आज करेंगे, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है अब हमें ये अरेंज करने हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी अगर हम ये हमारी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ ऊपर जा रहे हैं, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फोर्थ, तो हम जब नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं तो पहले 1 पे जाएंगे, 2 पे, 3 पे, तो ये तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग यानी कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, तो इसी तरह आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा, तो यहाँ पे सबसे देखिए माइनस की वैल्यू जो होती है वो चाहे जितना बड़ा नंबर हो माइनस का, ओरिजिनली वो उतनी ही छोटी वैल्यू होती है, तो माइनस 5 जो है वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद माइनस 2, फिर 1 और 3, ठीक है, ये हमारा आंसर है इसका। इसी तरह के माइनस 8, माइनस 7, माइनस 2, माइनस 1, ये बस इतना याद रखेंगे इंटीजर्स माइनस की वैल्यू हमेशा जितनी बड़ी होती है उतनी जो है माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होगी, और पॉजिटिव में तो जैसा ही होता है कि हम 1 छोटा है, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। नेगेटिव के अंदर जो है जो माइनस की वैल्यू जितनी, जैसे माइनस 8 जो है वो छोटा है, माइनस 7 उससे बड़ा है, माइनस 6 उससे बड़ा है, ठीक है। तो माइनस 4, माइनस 2, फिर 0, फिर 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, हम इसी का पार्ट 2 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5 है, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने इससे पहले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, पेज नंबर 64। आज अभी हम एक्सरसाइज 5 है, पेज नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 2 इसका कर रहे हैं। कल इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर कर रहे थे इंटीजर्स के अंदर, अब हम राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी अब हमें 3 इन्होंने इंटीजर्स दिए हुए होते हैं, उसके आगे उसी को सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमें नेक्स्ट 3 इंटीजर्स जो हैं वो लिखने होंगे, जैसे कि माइनस नाइन, माइनस 6 और माइनस 3। अब आप सीक्वेंस देखें, 9 के बाद 6 है, यानी 3 का गैप आ रहा है, 6 के बाद 3 है, ठीक है। अब 3 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, तो 3 के बाद 0, फिर 3, फिर 6, यानी आपको सीक्वेंस वही फॉलो करना है, जितना गैप दिया है उतना ही गैप आपको बीच में देना है और उसके आगे के नेक्स्ट 3 इंटीजर्स लिखने हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप सीक्वेंस देख के करें, आप ये ना देखें कि हमें पॉजिटिव करना है या इसको नेगेटिव करना है, ठीक है। अब जैसे ये 7 है, फिर हमारा 4 है,
फिर हमारा 1 है. अब 7 से लेके 4 तक के बीच में कितने गैप आ रहे हैं? 6 और 5, यानी 2 छोड़ के फिर 4 आया, फिर 3, 2 छोड़ के 1 आया, तो फिर 0 और हमारे पास जो है -1, 2 छोड़ के 6 और 5, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे -2 और फिर 3 और 4 छोड़ के -5, तो -8. समझ में आ रहा होगा. तो उसके प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नहीं हो सकता. और ये मैं लाइव कर रही होती हूँ, थोड़े बहुत मिस्टेक अगर हो जाती है तो आप लोग इसको देख लिया करें, ठीक है. अब जैसे 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 12, तो ये 4 नंबर्स बीच में छोड़ के और फिर हम जो है अब आगे, अब 12 से आगे तो ये तो ईजी है, सारे पॉजिटिव नंबर हैं. 12 से आगे हो गया 17, 17 से आगे 22 और फिर 27, ठीक है. नेक्स्ट 3 इंटीजर्स जो है हमने लिखे हैं सीक्वेंस के लिहाज से. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. यानी अब आपको हमें 2 पॉसिबल इंटीजर्स यहाँ पे लिखना है. जैसे कि आप ये, अब आप साइन देखें, ये लेस देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन का. ये आप लोग बहुत अर्ली क्लासेस से जो है पढ़ते जा रहे हैं कि ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है. तो 0 से लेस जो है वो आपका क्या होता है, ठीक है. तो आप 0 से लेस का वैल्यू आपको लिखेंगे -3, -2, -1, ठीक है. अब -2 से ग्रेटर, ठीक है. तो -2 से ग्रेटर हमारे पास कौन कौन से डिजिट होते हैं? -1 और 0, ठीक है. -3 से जो है लेस देन, -3 से छोटे. तो मैंने आपको बताया था जो वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी माइनस में, वो उतनी ही छोटी होती है एक्चुअली, सही है. तो ये हो गया हमारा. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज ग्रेटर -111 और -1111. तो आप बताएंगे कौन सा जो है इसमें से बड़ा है. तो फिर वही बात है, दोबारा से बार बार बता रही हूँ, माइनस की वैल्यू जितनी जो है वो बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है. तो यहाँ हमें बड़ी वैल्यू बतानी है, तो -111 ये हमारा आंसर है. ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है. अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. यानी अब हमें जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है इसको करना है. अब 5, अब आपको डिक्रीजिंग यानी बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर कौन सी है? 2, फिर 0, फिर -3, फिर -1, ठीक है. ये इसका आंसर है. अब यहाँ सबसे बड़ी हमारे पास वैल्यू है 4, 1, -2, -5, ठीक है. और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है. इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 4, 2, -1, ठीक है. ये हमारा आंसर एक्सरसाइज 5 है जो है हमारी आज ख़त्म है, और आप लोग इसका कॉपी वर्क कंप्लीट है.